सारण जिला के अपहस स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बीते दिनों नकाबपोश अपराधियों द्वारा बैंक में 9 लाख की लूट की गई थी। घटना के बाद एसपी द्वारा एसआईटी टीम गठित कर अपराधियों को पकड़ने का निर्देश दिया गया, जिन्हें आज पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है। घटना अमनौर थाना अंतर्गत अपहर बाजार में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में घटित हुई थी। घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए अमनौर थाना अध्यक्ष पिंटू कुमार के साथ एसआईटी की टीम ने सार्थक प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। उसको लेकर आज छपरा में छपरा एसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि कितने रुपए बरामद हुए, साथ ही कौन कौन लोग संलिप्त हैं। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, देखिए। यार अमनौर थाना क्षेत्र के अपहर में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 3 जून को बैंक लूट की सूचना मिली थी, इस सूचना पर तत्काल एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ मढ़ौरा के नेतृत्व में, जिसमें कि टीम ने लगातार छापेमारी करके 72 घंटों के अंदर इस कांड का उद्भेदन कर लिया है, जिसमें इसमें शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लूट के पैसे थे 2,62,050 रुपये उसकी रिकवरी हो गई है। उनके निशानदेही पर 4 हथियार भी बरामद हो गए हैं, जो सीसीटीवी और फुटेज से उसकी पुष्टि हुई है। उस दिन उन लोगों ने जो कपड़े पहन रखे थे, जो गाड़ियां यूज़ करी थी, उसका भी सीज़र हो चुका है। तो इस प्रकार से इस घटना का उद्भेदन 72 घंटे के अंदर हो चुका है। इसमें कुल 8 अपराधी शामिल थे और 8,94,000 की लूट हुई थी। कुछ पैसे और कुछ अपराधी अभी पकड़े जाने शेष हैं, जिसको लेकर एसआईटी लगातार छापामारी कर रही है। इन लोगों का काफ़ी वृहद आपराधिक इतिहास रहा है। जो मास्टरमाइंड है प्रीतम कुमार उसका नाम है, उसके ऊपर अब तक 18 केस दर्ज पाए गए हैं, जो ज़्यादातर ऐसे ही लूट और छिनतई के मामले माने गए हैं। दूसरे जो अक्यूज हैं उनके ऊपर 5 केस हैं और तीसरे पर 2 केस हैं। चौथे के बारे में भी पहचान कराई जा रही है। इसके अलावा जो अन्य 4 अभियुक्त बचेंगे उनके ऊपर भी आपराधिक इतिहास का खंगाला जा रहा है। बरामदगी में 2,62,050 रुपये कैश मिले हैं, जिसपे सभी पे बैंक की स्लिप भी लगी हुई है। और इसके अलावा उनके जो है कपड़े जो उन लोगों ने उस दिन पहने थे उसका सीज़र हुआ है। 4 हथियार जिसका प्रयोग किया गया था, 11 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं जो उन्हीं के पास से मिला है, और मोटरसाइकिल का भी जो उन्होंने उपयोग किया था उसकी भी बरामदगी हुई है।